अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है इंडेक्स नंबर। एन इंडेक्स नंबर इज़ अ डिवाइस दैट मेजर द रिलेटिव चेंज इन अ वेरिएबल और एवरेज रिलेटिव चेंज इन अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम और प्लेस। इंडेक्स नंबर एक डिवाइस है जो मेजर कर रही होती है कि इसमें वेरिएबल क्या होता है। एन इंडिविजुअल विच वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर इंडिविजुअल इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल में चेंज किसकी वजह से आ रहा होता है, किसी टाइम की वजह से या प्लेस की वजह से। तो इंडेक्स नंबर क्या है, वो एक डिवाइस है जो मेजर कर रही होती है वेरिएबल में चेंज किसकी वजह से, टाइम और प्लेस की वजह से। द वेरिएबल मे बी प्राइस, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ETC। मुख्तलिफ चीज़ें वेरिएबल मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे कि प्राइस भी हो सकती है कि एक चीज़ की प्राइस एक जगह पे और है, दूसरी जगह पे और है, या एक ईयर में और प्राइस थी, नेक्स्ट ईयर में और प्राइस थी। तो इंडेक्स नंबर इस चेंज को मेजर कर रहा होता है। एन इंडेक्स नंबर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इंडेक्स नंबर को टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है, सिंपल इंडेक्स नंबर एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। पहला है जी सिंपल इंडेक्स नंबर। एन इंडेक्स नंबर विच मेजर द रिलेटिव चेंज इन अ सिंगल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम और प्लेस। जब सिंगल वेरिएबल में इंडेक्स नंबर मेजर कर रहा होता है चेंज को, तो इसको कहते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। एंड इंडेक्स नंबर विच मेजर एवरेज रिलेटिव चेंज इन अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल। जब ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल में चेंज मेजर कर रहा होता है इंडेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम और प्लेस, इज नोन एज कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो सिंपल इंडेक्स नंबर क्या है, वो चेंज को मेजर करता है सिंगल वेरिएबल में, और कंपोजिट इंडेक्स नंबर क्या है, वो ग्रुप ऑफ वेरिएबल में चेंज को मेजर कर रहा होता है। The most common type of index number used are price index number, quantity index number, aggregate type of index number. सबसे पहली जो टाइप है वो है जी प्राइज इंडेक्स नंबर। एन इंडेक्स नंबर विच मेजर द चेंज इन द होल सेल और रिलेटिव प्राइज ऑफ पार्टिकुलर कमोडिटीज और अ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज विद रिस्पेक्ट टू सम बेस इज नोन एज प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ की प्राइस के को मेजर कर रहे हों तब इंडेक्स नंबर यूज हो रहा हो, तो वो प्राइस इंडेक्स नंबर कहलाता है। एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, एन इंडेक्स नंबर विच मेजर द चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। उसमें प्राइस इंडेक्स में हम प्राइस को चेंज हो रही है उसको मेजर कर रहे होते हैं, एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को चीज़ की क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ अ गुड और गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू सम बेस इज नोन एज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को वॉल्यूम इंडेक्स नंबर भी कहते हैं और क्वांटम इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम प्राइस इंडेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। प्राइस इंडेक्स नंबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो प्राइस इंडेक्स नंबर है वो अगेन टू टाइप्स में क्लासिफाइड की जाती है, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर एंड कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। सबसे पहले है जी सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। एन इंडेक्स नंबर विच मेजर द चेंज इन द होलसेल और रिलेटिव प्राइस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू सम बेस इज नोन एज सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। ये वही जैसे हम लोगों ने पीछे सिंपल और कंपोजिट वाला पढ़ा था, इसमें भी वही है कि जब वो सिंगल वेरिएबल को मेजर कर रहा होता है। इसमें कुछ नोटेशंस हैं, पी नॉट को हम लोग प्राइस ऑफ द बेस पीरियड कहते हैं एंड पी एन प्राइस ऑफ द करंट पीरियड को कहते हैं। जो सा ईयर चल रहा होता है उसको करंट पीरियड कहते हैं, और जो सा ईयर हमने एज अ बेस रखा गया होता है उसको हम पी नॉट से शो करते हैं। जो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर है उसको कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड। सबसे पहला जो है जी वो है फिक्स बेस मेथड। एंड इन दिस मेथड द बेस पीरियड इज ऑलरेडी फिक्स्ड एंड द सिंपल प्राइस नंबर फिक्स्ड एंड द सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर और प्राइस रिलेटिव आर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्राइस ऑफ अ करंट ईयर by the base period price and the result is expressed in the form of percentage। price index जो हम लोग measure करते हैं वो current period
प्राइस को बेस पीरियड पे डिवाइड करते हैं, और क्योंकि ये परसेंटेज में दी गई होती है इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो ये हमारे पास फिक्स बेस मेथड के जरिए हम प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो बेस पीरियड होता है वो फिक्स होता है, कोई एक ईयर दिया गया होता है उसमें वो फिक्स होता है। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, इसमें 1964 से लेके 1973 तक एक ईयर है उसकी प्राइस दी गई है, किसी भी चीज़ की प्राइस है। जब हम सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो हम एक ईयर वो हमें एज अ फिक्स बेस दे देंगे। जैसे कि ये 28 का फिक्स बेस होगा, हम हर ईयर को पीसी पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर आ जाएगा। जबकि चेन बेस मेथड में, इन दिस मेथड द बेस पीरियड इज नॉट फिक्स बट इट मूव विद एवरी करंट पीरियड, एवरी प्रिसीडिंग पीरियड इज कंसीडर एज बेस पीरियड। इसमें चेन बेस मेथड में जो बेस पीरियड वो फिक्स नहीं होगा, जबकि एक ईयर जो है, जैसे ये 18 है, इसको डिवाइड करेंगे 20 पे या 23 को डिवाइड करेंगे 18 पे, तो इसमें क्या हर पीछे वाला ईयर इसका बेस पीरियड होगा, 24 का पीछे 23 होगा और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। इस तरह ये चेन बेस मेथड से हमारे पास प्राइस, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर आ जाएगा। इसको लिंक रिलेटिव भी कहते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑफ अ करंट पीरियड डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो इस तरह हमें चेन बेस मेथड से प्राइस इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। शुक्रिया।